कणक जी फोन की घंटी की आवाज आ रही है ना, पर अठे तो कोई है ना, फोन किसका बज रहा है? ना किसी का भी फोन होगा, चलो ना अभी। क्या पता किसी भले आदमी का गिर गया हो, ढूंढ लेते हैं ना। जी दादी सर। क्या? मैं अभी आ रहा हूं। जी जी कड़क जी, चलिए चलिए घर चलिए। चकोरी जब बदला लेती है ना, तो अपने दुश्मन को ऐसे डसती है कि वो पानी भी ना मांग पाता। शिवराज उम्मीद प्रताप सिंह, अब तू देख कैसे तुझे मैं अपने घुटनों पे लाती हूँ। हाँ बोल। अरे चकोरी रानी, अरे समर और मेनका के फोटो कांड ने ऐसी चिंगारी भड़काई है कि रसाल का तो भरोसा ही उठ गया है अपने भाई साहब और समर से। पहली बार भाई बहन के रिश्ते में दरार आती दिख रही। हटो। अच्छा सुन, फोन कट मत करना, ठीक है? मैं तारे को सारी बातें सुनाता हूँ। लाडो, क्या कर रही है तू? वही जो मुझे पहले कर लेना चाहिए था। लाडो, अगर तू मारे से नाराज है ना, तो मारे से लड़ाई कर। इतनी सी थी तू, इन हाथों से खाना खिलाता था तुझे मैं, पर आज तू इतनी बड़ी हो गई कि भाई साहब का हाथ छोड़ के अपनी रसोई अलग करने जा रही है, भाई साहब को अलग कर रही है खुद से। आपसे अलग कैसे हो सकती हूँ भाई साहब? अच्छा, नहीं हो सकती ना, तो यो सब क्या है? खाना अलग खाएगी, अपने कमरे में आने ना देगी। देख लाडो, अगर मारे से कोई गलती हुई है, कोई गुनाह हुआ है ना, तो मैं सारे पैर पकड़ के माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन यो सब मत कर। मांगू माफी? ले मांगता हूँ, ले। नहीं, माफ कर दे मुझे हमारे गुनाह के लिए, जो हो गया मुझसे, मुझे माफ कर दे तू। मैं आपको कोई भी तकलीफ या सजा नहीं देना चाहती हूँ। तो क्यों कर रही है ये सब? क्या मिल रहा है? मैं बस चाहती हूँ कि समर्था अपनी जिम्मेदारियां समझे। अब से कुछ ही दिनों में वो पति के साथ साथ पिता भी बन जाएंगे, लेकिन क्या आज तक इन्होंने अपनी कोई भी जिम्मेदारी निभाई है? मैं अपनी ऐप पे काम कर तो रहा हूं ना, और जब तक मेरी ऐप का काम पूरा नहीं हो जाता, अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं कर सकता। कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते?